इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट। जहां एक तरफ कबूतरों को शांति का प्रतीक माना जाता है, वहीं दूसरी ओर उसी कबूतर की वजह से लाठी डंडे चल गए। मामला गाजियाबाद के थाना मोदी नगर इलाके का है, जहां दो गुटों में कबूतर की वजह से हाथापाई हो गई और जमकर एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसाए गए। ये पूरी घटना इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आइए आपको बताते हैं कि मामूली सी बात पर शुरू हुआ एक विवाद कैसे बवाल में बदल गया। दरअसल एक पक्ष नागेंद्र और उसका भाई गौरव कबूतर पालने का काम करते हैं। उनके कबूतरों को दूसरे पक्ष ने पकड़ लिया था। इसके बाद जब इन लोगों ने अपना कबूतर वापस मांगा तो दूसरे पक्ष ने कबूतर लौटाने से मना कर दिया। इतना ही नहीं, आरोप है कि इतनी ही सी बात पर दूसरे पक्ष के लोगों ने मारपीट शुरू कर दी और देखते देखते लाठी डंडों की बरसात शुरू हो गई। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सर, मामला ये था, कल मेरी एक से मां कहां सुनी हो गई थी, उसके बाद में वो आज सुबह काफी सारे लड़के लेके डंडे वंडे लेके बेल्ट लेकर के हमारे घर आए। साथ में उसकी मम्मी थी, मम्मी के साथ में दो लेडीज और थी उसके, और वो घर पे आते के साथ ही उन्होंने कहा, हाँ भाई कहाँ कितना बड़ा तू धींग है, नीचे उतर के आ। तो हमने बोला भाई क्या बात है, तो इतनी देर में हमने देखा उन तीनों चार लड़कों ने हाथ में बेल्टें ले ली थी, हमारे घर के बाहर ईंटें पड़ी हुई थी, उन्होंने वो ईंटें उठानी शुरू कर दी थी। उन्होंने जैसे हम पे वार करा, हमने अपने बचाव में उन पे साथ में भिड़ गए। बताते चले, इस मारपीट में दोनों भाई गौरव और नगेंद्र के सिर पर गंभीर चोट आई है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। वहीं पुलिस मामले को लेकर आगे की कार्रवाई कर रही है। दो पक्षों के बीच में कबूतरबाजी को लेकर कहा सुनी हो गई, जिसके पश्चात दिनांक 26/1/2023 को आकाश का जो पक्ष था, वो लोग नगेंद्र जो दूसरा पक्ष था उसके घर पर गए और वहाँ पर उन्होंने लाठी डंडों और बेल्ट वगैरह से उनके साथ में मारपीट की, जिसका एक वीडियो भी वायरल हुआ है। इस संबंध में जो एग्रेसर पक्ष है उसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है, वह अभियुक्तों को हिरासत में लेके आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। क्राइम की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट चैनल यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना न भूलें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट।